तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगनर यानी कि UFB का पार्ट 6 है। देखिए पार्ट 5 तक के वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू का लेटर यानी कि अलिफ से लेकर बड़ी ये तक लिखना पढ़ना ये हर चीज़ बता दी थी। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, ये सारी चीज़ें यहाँ तक कि क से लेकर गया तक कख अगा उर्दू में लिखना पढ़ना, अ आ ई उर्दू में लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोग को पार्ट 5 तक के वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो वीडियो है आप लोगों का पार्ट 6 है जिसमें मैं आप लोगों को दो अक्षर यानी कि दो हर्फ से मिलकर बने शब्द यानी कि दो हर्फ से मिलकर बने लफ्ज़ को उर्दू में लिखना और पढ़ना बताऊंगी। और ये आप लोगों को तभी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप मेरा UFB यानी कि उर्दू फॉर बिगिनर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो देखे हैं और आपको अलिफ से लेकर बड़ी ये तक अंदाजी लिखना आ जाता हो यानी कि बिना देखे लिखना आ जाता हो और पढ़ना आ जाता हो, तब ये जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो तो पूरे अच्छे तरीके से देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा पार्ट 5 तक के वीडियो में। जितना कुछ भी मैं आप लोगों को बताई हूँ वो सारा चीज़ लिख कर बोल कर पढ़ कर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप लोग ये दो अक्षर से मिलकर बने शब्द को समझिएगा और लिखना और पढ़ना समझिएगा। फिर मैं आप लोगों को देखिए, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो अक्षर से मिलकर बने शब्द को समझा रही हूँ ना, अब आप लोग धीरे धीरे तीन अक्षर से मिलकर बने शब्द, फिर चार अक्षर से मिलकर बने शब्द, फिर मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना धीरे धीरे सीखेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप उर्दू के बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। बस मैं आप लोगों को जैसा बोल रही हूँ वैसा करना है। तो अगर आप मेरा UFB का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो देख चुके हैं और अच्छे से जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोली हूँ उन सभी वीडियोज़ में वो सारा प्रैक्टिस किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो अब ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इसमें जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए हलवा लगेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दो अक्षर से मिलकर बने शब्दों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हूँ जिसको हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, मतलब हिंदी से उर्दू में अगर आप लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए जो सबसे पहला लफ्ज़ है यानी कि पहला शब्द है दो अक्षर से मिलकर बना हुआ वो है रब। क्या है रब? रब का मतलब आप लोग जानते हैं, रब का मतलब होता है अल्लाह, खुदा, खुदा को ही हम लोग रब कहते हैं, ठीक है। तो खुदा का नाम लेकर शुरू करते हैं, बहुत ही कोई भी चीज़ जो है ना खुदा का नाम लेकर शुरुआत की जाती है ना किसी भी चीज़ की, या फिर कोई भी काम जो है ना खुदा का नाम लेकर शुरू की जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रब यानी कि खुदा का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो अब रब को उर्दू में हम लोगों को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट लेटर क्या है, पहला अक्षर र है, तो र को उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग खुद सोचिए, मैं आप लोग को ऑलरेडी अलिफ से लेकर बड़ी ये तक बता चुकी हूँ। तो र को उर्दू में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो यहाँ पर रे लिखिए, रे लिखा गया। अगर मतलब छोटा हो जा रहा है वर्ड, आप लोग को बोर्ड पर साफ क्लियर नहीं देख पा रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए, 1080 में देखिए, 1440 पिक्सल पर देखिए, देखिए मतलब वीडियो के सेटिंग में आता है ऑप्शन क्वालिटी बढ़ाने का, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो जूमिंग का सिस्टम आता है तो जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए रब में जो सबसे पहला अक्षर है वो है र, तो र को उर्दू में रे कहते हैं, तो यहाँ पर हो गया रे, और फिर प्लस क्या है, र के बाद ब है, तो ब को उर्दू में क्या कहते हैं याद कीजिए, ब को उर्दू में कहते हैं बे, ऐसे बे लिखाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग हिंदी को ना बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं और बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते भी हैं, जैसे कि रब हो गया तो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ पढ़ रहे हैं ना, लेकिन उर्दू में हम लोग उर्दू को जो है ना दाएं से बाएं की तरफ लिखते भी हैं और दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर रब आप इस तरह बाएं से दाएं पढ़ेंगे लेकिन उर्दू में जो है ना लिखेंगे और पढ़ेंगे वो दाएं से बाएं पढ़ेंगे। तो देखिए र को उर्दू में रे कहते हैं तो रे लिखा गया, और प्लस ब है ना इसमें तो ब को उर्दू में बे कहते हैं तो बे लिखा गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, देखिए ये र हो गया और ये हो गया ब, तो ये हो गया आप लोगों का रब, तो र प्लस ब क्या हो गया, रब, ठीक है। आगे देखिए दूसरा वर्ड है कल, तो कल का जो पहला लेटर पहला अक्षर है वो क्या है, क, तो क को सबसे पहले ढूंढिए कि उर्दू में क्या कहते हैं, क को उर्दू में क्या कहते हैं, क को उर्दू में कहते हैं काफ, तो पहले काफ लिखिए, यहाँ पर काफ लिख दिए, उसके बाद क के बाद दूसरा लेटर क्या है, दूसरा अक्षर वो है ल, अब फिर सोचिए कि ल को उर्दू में क्या कहते हैं, तो ल को उर्दू में लाम कहते हैं ना, तो यहाँ पर काफ प्लस लाम, तो काफ से क प्लस लाम से ल, अब ये दोनों मिलकर जो है ना कल बनाएंगे कैसे, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को मिलाना कैसे है,
यहाँ पर लाम उसी की तरह उसी तरह लाम का लाम ही रहेगा। अब ये जो काफ है ना, ये वाला यहाँ पर ऐसे गोल कर देना है और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये काफ और लाम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो इस तरह बन जाएगा कल। तो काफ से क और लाम से ला दोनों मिलकर क्या बन गए? कल। ठीक है, बस ये जो है ना इतना कट जाएगा और ये वाला सिर्फ यहाँ पर आकर जुड़ जाता है तो ये कल बन जाता है। फिर से मैं आप लोग को लिख कर बता दे रही हूँ, देखिए ऐसे बनाना है, लाम बन गया और इसमें काफ जोड़ देना है ना, तो ऐसे करके ऐसे, तो काफ प्लस लाम तो क्या हो गया? कल। अब आगे बढ़िए, अगला शब्द है चल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अक्षर देखिए, पहला लेटर क्या है? च। च को उर्दू में क्या कहते हैं याद कीजिए, च को उर्दू में कहते हैं चे। देखिए यहाँ पर चे बना दिए, बीच में तीन ठो नुक्ता रहता है यानी कि तीन ठो बिंदु रहता है, तो ये हो गया आप लोगों का चे। अब अगला अक्षर क्या है? च के बाद ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं, तो यहाँ पर लाम बना दीजिए, ऐसे लाम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चे से च और लाम से ल, दोनों मिलकर चल बनाएंगे। अब देखिए दोनों मिलेंगे कैसे, ये जो लाम है ना ये लाम का लाम ही रहेगा, ठीक है, और ये जो चे है ये इतना कट जाएगा और इसका इतना वाला भाग जो है ना इसमें आकर ऐसे जुड़ जाएगा और नीचे तीन ठो बिंदु उसी तरह रहेगा, ये वाला तीन ठो बिंदु यहाँ पर रहेगा। तो देख रहे हैं जब ये दोनों मिले ना तो लाम उसी तरह है, ठीक है, और ये चे का इतना कट गया है और सिर्फ इतना वाला हिस्सा जो है, इतना वाला ऊपर वाला हिस्सा इसमें आकर जुड़ गया है, तो चे से च और लाम से ल, तो चल हो गया। देखिए कितने अच्छे तरीके से रब भी लिख लिए, कल भी लिख लिए और चल भी लिख दिए। अब अगला वर्ड है थम। तो थम का जो पहला अक्षर है वो क्या है? थ। क ख ग घ लिखना बताई हूँ ना, उसमें त थ आता है ना, तो वो सारा चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ। तो थ कैसे लिखाता है आप लोग याद कीजिए, क ख ग मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए ऐसे लिखा जाता है थ, ऊपर दो ठो बिंदु रहता है, तो ये हो गया आप लोगों का था। मैं आप लोगों को ऑलरेडी क ख ग लिखना बताई थी, वहीं पर आप लोगों को बता दी थी, तो ये हो गया आप लोगों का था। और प्लस अगला अक्षर क्या है? अगला अक्षर है म। म को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं, तो अब यहाँ पर मीम लिखिए, मीम ऐसे लिखाता है, देख रहे हैं, ये हो गया आप लोगों का मीम। तो ये हो गया आप लोगों का थ और ये हो गया आप लोगों का म, ये दोनों मिलकर थम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए ये जो थ है ना सबसे पहले इसको इसी तरह लिख दीजिए, ये थ हो गया, ऊपर दो ठो नुक्ता हो गया। अब इस थ में म को जोड़ना पड़ेगा यानी इस मीम को जोड़ना है तभी ना थम बनेगा, तो इस थ में अब इस मीम को लाकर यहीं पर जोड़ दिया जाता है। देखिए ये जो बनाए हैं ना मीम, अब यहीं पर आकर यही वाला मीम ऐसे बन जाएगा, देखें थ ये वाला था यहीं पर और प्लस मीम यहीं में इसी में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? थम हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोग को लिख कर बता दे रही हूँ, ये वाला था बिल्कुल उसी तरह ऐसे बना देना है, ठीक है, दो ठो ऊपर नुक्ता दे देना है और यही वाला मीम जो है ऐसे लाकर जोड़ देना है, तो ये हो गया आप लोगों का थम। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़िए, अगला शब्द है पल। प को पहला अक्षर क्या है? प। प को उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं, तो यहाँ पर पे लिखिए, देखिए पे में नीचे तीन ठो बिंदु रहता है, ये हो गया आप लोगों का प। और फिर अगला अक्षर क्या है? ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, तो प प्लस ल, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये कैसे जुड़ेंगे इस यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये जो लाम है ना बिल्कुल उसी तरह रहेगा, ठीक है, बस ये जो प है ना इसका इतना आधा काट देना है, ये आधा इसका सिरा काट देना है और यही वाला जो इतना आधा सिरा है ये लाकर इसमें जोड़ देना है और नीचे तीन ठो बिंदु दे देना है, तो प प्लस ल क्या हो गया? पल। फिर से मैं आप लोगों को लिख कर बता दे रही हूँ, देखिए लाम को पूरा बनाना है ऐसे, ठीक है, और ये जो प का आधा हिस्सा है वो काट देना है और आधा हिस्सा यहाँ पर लाकर जोड़ देना है और नीचे तीन ठो जिस तरह यहाँ पर नुक्ता है नुक्ता दे देना है, तो प प्लस ल पल हो गया, सिंपल। अगला जो वर्ड है, अगला शब्द वो है कम। कम का जो पहला अक्षर है वो क्या है? क। फटाफट सोचिए, क को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, ये वाला काफ, ठीक है, तो काफ फटाफट लिख लीजिए। प्लस म है ना, तो म को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं, तो यहाँ पर मीम फटाफट लिखिए। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, काफ प्लस मीम यानी कि क प्लस म मिलकर कम बनाएंगे, तो जुड़ेंगे कैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो काफ है ना काफ का इतना हिस्सा कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को इतना ही लेना है, इतना हिस्सा उठा लीजिए यहाँ पर ऐसे ले लिए, देख रहे हैं ये काफ का सिर्फ इतना ही हिस्सा है, ये वाला ये उठा लिए और ये वाले आधे वाले हिस्से में ये मीम को बना देना है, देखिए यहाँ पर ऐसे मीम बन गया, तो ये हो गया काफ प्लस मीम यानी कि क प्लस म कम। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बना कर दिखा दे रही हूँ कम को, काफ का ये वाला हिस्सा आधा हिस्सा बनाना है
ऐसे बना दिए और फिर यहीं पर आप लोगों को मीम जोड़ देना है। तो ये हो गया आप लोगों का कम। अगला वर्ड है भर। भर का जो सबसे पहला अक्षर है वो है भ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भ को उर्दू में कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इंग्लिश में बी से ब और बी एच से, बी में एच मिलाकर बी एच से भ हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में बी से ब बी एच से भ, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में बे से ब और बे में एच मिलाकर, यानी कि एच को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, तो बे में एच यानी कि हे मिलाकर होता है भ, ऐसे देख रहे हैं। ये हो गया आप लोगों का भ। कैसे मिला, ये जो बे है इसका आधा कट गया, ये जो सिर्फ पार्ट है इतना आ गया, और फिर ये वाला जो है इस बे में ऐसे हे यानी कि एच मिल गया, तो बे में हे मिलाकर यानी कि बे में एच मिलाकर क्या हो गया, भ। तो ऐसे भ लिखा जाता है, ठीक है। तो यही वाला भ अब यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिटा दूँ। तो देखिए यहाँ पर अब भ बनाइए, ऐसे बन गया उर्दू में भ, ठीक है, ये भ हो गया। प्लस अगला अक्षर क्या है, र। र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का रे, रे से र। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, भ प्लस र ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो देखिए कैसे मिलेंगे, ये जो भ है ना बिल्कुल उसी तरह बना दीजिए, जिस तरह ये भ है बिल्कुल उसी तरह बना दीजिए। ये भ हो गया और इसी में ये र जोड़ना है यानी कि रे जोड़ना है। तो ये जो भ है ना यहाँ से निकला है, इसी में ये वाला रे जोड़ देंगे ऐसे, तो ये भ प्लस र क्या हो गया, ये भर हो गया। देखिए ये भ पूरा का पूरा लिखाएगा और इसी के लास्ट में ये जो रे है वो जुड़ जाएगा, तो भ प्लस र भर हो गया। एक बार फिर से बना कर दिखा दूँ, देखिए ये पूरा भ बन गया ये वाला भ, और इसी में रे जोड़ देना है, तो यहीं पर ऐसे रे जोड़ दीजिए, हो गया भर, सिंपल। आगे बढ़िए, अगला है छत। पहला अक्षर क्या है, छ। तो देखिए सी एच से च होता है ना, और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं, तो सी डबल एच से छ होता है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में चे से च होता है, ये चे से च, और जब इस चे में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है चे में हे मिलाकर छ, ऐसे, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, सी एच से च और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं तो सी डबल एच से छ होता है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में चे से च और इसी चे में एक और एच यानी कि एक और हे जोड़ देते हैं, इसी चे में हे मिला देते हैं तो वो छ बन जाता है। देखिए ये छ कैसे बनेगा, ये चे का ये आधा कट जाएगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट उठाना है, इतना वाला पार्ट उठ गया और ये ले जाकर हे जोड़ दिया जाता है, तो ये चे में हे यानी कि एच मिल गया, तो ये बन जाता है आप लोगों का छ। तो उर्दू में छ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब चलिए यही वाला छ यहाँ पर लिखना, तो यहाँ पर आप लोगों का ये बन गया छ, ठीक, यहाँ पर तीन ठो बिंदु रहेगा, छ हो गया। प्लस अगला अक्षर क्या है, त। त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, ते ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो छ प्लस त, अब ये एक दूसरे के साथ मिल जाए, देखिए ये जो छ है ना बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर छ बना देना है, सिंपल, ठीक है, जिस तरह छ है बिल्कुल हु बहू यहाँ पर उसी तरह छ बना देना है। ये हो गया आप लोगों का छ, ठीक है, नीचे तीन ठो नुक्ता देना है, छ हो गया। और इसी में से जो ये छोटा सा निकला है ना, ये छोटा सा, इसी में ये ते ले जाकर जोड़ देना है, यानी कि ये वाले छ में यहीं पर लाकर यहीं पर ते ऐसे जोड़ देना है, ये वाला ते यहीं पर लाकर जोड़ देना है। तो ये हो गया आप लोगों का छ और ये हो गया आप लोगों का त, दोनों में जुड़ गया तो ये क्या हो गया, छत हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रही हूँ, देखिए ये हो गया आप लोगों का छ, नीचे तीन ठो नुक्ता हो गया, छ हो गया, और इसी में यहीं पर लाकर आप लोगों को ते जोड़ देना है, तो छ प्लस त, छत हो गया, सिंपल। आगे बढ़िए, अगला वर्ड है पर। पर का पहला अक्षर है प। प को उर्दू में क्या कहते हैं, फटाफट सोचिए, प को उर्दू में कहते हैं पे। पे कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, नीचे तीन ठो नुक्ता रहता है, तो ये हो गया आप लोगों का पे से प। प्लस अगला अक्षर क्या है, र। र को उर्दू में कहते हैं रे, तो यहाँ पर रे दे दीजिए, तो ये हो गया आप लोगों का रे। अब देखिए ये दोनों मिल जाएंगे तब पर्ण बनाएंगे, तो देखिए कैसे मिलेंगे, ये जो प है ना इसका ये आधा कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसे, और नीचे तीन ठो नुक्ता तो देना ज़रूरी है, ये जो तीन ठो नुक्ता है ना ये यहाँ पर दिलाएगा, ठीक है। तो ये आधा पूरा प था ना ये, तो इसको आधा काट दीजिए, तो ये आधा प हो गया और नीचे तीन ठो नुक्ता हो गया, और ये वाला जो र है रे यहीं पर लाकर ऐसे जोड़ देना है, तो ये हो गया आप लोगों का प प्लस र मिलकर पर, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो प है आधा प ऐसे बना देना है, पूरा प का आधा कर देना है, और इसी में ये वाला जो रे है ऐसे लाकर जोड़ देना है, तो ये हो गया आप लोगों का प प्लस र पर।
आगे बढ़िए, अगला है हल। हल का पहला अक्षर क्या है? हा। हा को उर्दू में कहते हैं है, ऐसे लिखा जाता है, गोल वाला है, ठीक है। प्लस प्लस अगला वर्ड क्या है? अगला अक्षर ल है। ल को उर्दू में लाम कहते हैं, तो यहाँ पर लाम लिख दीजिए। और बराबर जब ये हे और ये लाम, यानी कि हे से हा और लाम से ला मिलेंगे, तो देखिए कैसे मिलेंगे। ये वाला जो है ना हे, लाम का तो लाम उसी तरह रहेगा, बिल्कुल लाम का लाम जो है इसी तरह रहेगा। अब ये जो हे है इसको आधा ऊपर से काट देना है। जब आधा ऊपर से काटेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, तो इसी में लाकर जोड़ देंगे। ऐसे गोल, ये सर्किल था अंडा, अंडा की तरह है, बस ऊपर से इतना काट देना है। इतना जब ऊपर से काट देंगे तो इतना ही बचेगा ना, तो इसी को ले जाकर यहाँ पर रख देना है, इस्लाम में मिला देना है। जब इस्लाम में मिला देंगे और नीचे इस तरह एक छोटा सा ऐसे कर देंगे, तो ये हो गया आप लोगों का ह प्लस ल हल, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला वर्ड है सब। सब का पहला अक्षर है स। स को उर्दू में क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। सीन कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का स, यानी कि सीन प्लस। अगला अक्षर क्या है? ब। ब को उर्दू में कहते हैं बे, तो यहाँ पर बे बनाइए, ठीक है। अब ये दोनों स प्लस ब जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखिए, ये जो सीन है ना, पूरा का पूरा सीन नहीं बनाना है, ये सीन का सिर्फ इतना हिस्सा बनना है, ये काट देना है। ये चांद वाला जो पार्ट है ये नहीं, इसको छोड़कर सिर्फ इतना, तीन ठो ये कोनी वाला जो है वो पार्ट बना देना है ऐसे, ठीक है। ये जो चांद वाला हिस्सा है, गोल वाला, ये नहीं बनाना है, ये छुपा देना है। बस यही तीन ठो बनाना है, ये वाला सिर्फ, देख रहे हैं, सिर्फ इतना हिस्सा बनाना है, ठीक। तो इतना हिस्सा बन गया सीन का, ठीक है। और इसी में ले जाकर ये बे जोड़ देना है। ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये सीन का, ये वाला जो निकल रहा है यहाँ पर, यहीं पर लाकर ये बे जोड़ देना है। तो देखिए यहीं पर आप लोगों का बे जुड़ गया। तो सौ, सीन से सौ प्लस बे से ब, सौ प्लस ब क्या हो गया? सब। एक बार फिर से मैं बना दूँ, चलिए एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। ये पूरा सीन है, सीन को पूरा नहीं बनाना है, ये चांद वाला पार्ट हटा देना है, सिर्फ इतना पार्ट रखना है ये, ठीक। और इसी में ले जाकर ये बे जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का स प्लस ब सब। अब देखिए अगला वर्ड है खत। खत का जो पहला अक्षर है वो है ख। ख को उर्दू में क्या कहते हैं? तो खे कहते हैं। कैसे लिखा जाता है? देखिए ऐसे लिखा जाता है, खे, ऊपर एक नुक्ता रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का ख प्लस। अगला अक्षर है त, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उर्दू में ते से भी त होता है और तो से भी त होता है, तो यहाँ पर जो उर्दू का त यूज़ होगा वो होगा तो, ठीक है। देखिए ते से भी त होता है, इधर बताई थी ना, एक मिनट, हाँ ये है छत। छ प्लस, यहाँ पर त की जगह ते यूज हो रहा है, ते से भी त होता है और ये वाले तो से भी त होता है। तो यहाँ पर जो छत है यहाँ पर ते यूज हो रहा है, लेकिन खत में जो है ना, ये खत में ये त की जगह, मतलब ये वाले त की जगह तो यूज होता है, ते यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर ये वाला ते नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ये वाला तो यूज होता है, ठीक है। तो ख प्लस ये वाला तो से त, तो ख प्लस त मिलकर क्या बनाएंगे? खत। तो देखिए कैसे मिलेंगे, ये जो ख है ना खे, इसका इतना ही पार्ट उठाना है आप लोगों को, इतना ही पार्ट, बाकी ये जो गोल वाला पार्ट है इसको काट देना है, सिर्फ इतना ही उठाना है, ठीक है। तो इतना उठा लीजिए, आ गया इतना, देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही पार्ट उठाना है खे का। तो उतार लिए ख और प्लस ये तो जोड़ देना है इसी में ले जाकर, तो ऐसे ये हो गया आप लोगों का तो। तो ख प्लस त क्या हो गया? खत, सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ख जो है ना पूरा इतना ही उठाना है, नीचे का नहीं उठाना है, सिर्फ इतना ही उठा लेना है। तो इतना उठा लिए, ऊपर एक नुक्ता दे दीजिए और इसी में ले जाकर तो जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आप लोगों का खत। अगला वर्ड है गम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक ये ग होता है और एक ये ग होता है, दोनों में अंतर है। इस ग के नीचे बिंदु नहीं है, लेकिन इस ग के नीचे बिंदु है, और दोनों में अंतर है प्रोनाउंसिएशन का भी। इसको सिंपली आप ग पढ़ेंगे और इसको ग पढ़ेंगे, ग, ठीक है। तो ये वाला जो ग है इसको उर्दू में ऐसे लिखते हैं, ये वाले गाफ से ये वाला ग होता है, उर्दू में ये वाले ग को ऐसे लिखते हैं, उर्दू में इस ग का ऐसे ग लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ग है, जो नीचे बिंदु है ग, इसको हम लोग उर्दू में ऐसे लिखते हैं, गैन से ग, ठीक है, गैन से ग। तो देखिए ये वाला ग के लिए आप उर्दू में इसका इसका यूज़ करेंगे, ये वाले ग का, और ये वाले नीचे वाले जो बिंदु है इस ग के लिए आप ये वाले का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले गैन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गम, गम में नीचे देखिए यहाँ पर ध्यान से बिंदु है, तो यहाँ पर ग है, तो इसके लिए कौन सा, मतलब उर्दू में कौन से ग का यूज़ करेंगे?
सिंपली बात है कि ये वाले ग का यूज़ करेंगे क्योंकि नीचे बिंदु है तो ये वाला ग यूज़ हो गायन, ठीक है। तो यहाँ पर ले जाकर ग ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया गायन से ग, ठीक है। अब अगला अक्षर है म, ठीक है। तो रुकिए मैं आप लोग को अभी बताती हूँ, पहले ये मिटा दूँ। तो ये हो गया गायन से ग और अगला अक्षर है म, तो म को उर्दू में मीम कहते हैं। तो गायन यानी कि ग प्लस म यानी कि मीम, तो ये हो गया आप लोगों का मीम, ठीक है। तो दोनों मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो गायन है ना ग, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट उठाना है, देखिए इतना ही पार्ट। ये जो सर्किल वाला भाग है गोल, ये जो गोल भाग है ना इसको हटा देना है, ये गोल वाला है इसको हटा देना है, बस इतना ही उठाना है, इतना, ठीक है। तो इतना उठा दिए, देखिए बस इतना ही उठाना है, ये वाला छोड़ देना है, इतना ही उठाकर ऊपर बिंदु देना ज़रूरी है, देखिए ऐसे दे दिए। और इसी में ले जाकर ये मीम जोड़ दिया जाता है, देखिए ऐसे, ठीक है। तो गया में क्या जुड़ गया, ये म जुड़ गया, तो ग प्लस म क्या हो गया, गम। एक बार फिर से देख लीजिए, ये गायन का पूरा ग नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, तो इतना हो गया और ऊपर एक बिंदु और इसी में ले जाकर म जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आप लोगों का गम। ये अगला है घर, घर का जो पहला अक्षर है वो है घ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जी से ग होता है और जी में जब आप एच जोड़ते हैं तो जी एच से घ होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में गाफ से ग होता है और इसी गाफ में जब आप एच यानी कि हे, उर्दू में एच को क्या कहते हैं, हे कहते हैं, ये है हे, ठीक है। इस वाले एच को उर्दू में ये हे कहते हैं। तो जब देखिए जी से ग होता है, जी एच से घ होता है, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में गाफ से ग और इसी गाफ में जब आप एच जोड़ देते हैं यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं तो गाफ में हे मिला के घ हो जाता है, ऐसे। देखिए ये लिखाएगा कैसे, ये जो है ना गाफ, गाफ का सिर्फ इतना पार्ट उठाइए, ये जो है इतना पार्ट उठा देना है, ठीक है, उठा दिए, इतना ही पार्ट उठा देना है, ठीक। तो ये हो गया आधा गाफ यानी कि ग और इसी ग में एच यानी कि ये वाला हे जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया घ। तो गाफ में एच मिलाकर यानी कि गाफ में हे मिलाकर ये क्या हो गया, घ। तो ये वाले घ का यूज़ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रुके लिख कर बताती हूँ, घ हो गया ऐसे लिखा जाता है घ, अभी तो मैं बताई ना इस तरह घ लिख दिए, ये हो गया घ प्लस अगला अक्षर है र। र को उर्दू में कहते हैं रे, तो यहाँ पर रे दे दीजिए, ये दोनों मिल जाएंगे। अब देखिए मिलेंगे कैसे, ये जैसे घ है ना बिल्कुल हूबहू उसी तरह घ बना दीजिए, देखिए ये बिल्कुल हूबहू उसी तरह बन गया ना घ, ठीक। अब इसी में ये जो लास्ट वाला कोना लिखना है ना इसी में ले जाकर ये रे यानी कि र को जोड़ देंगे, हो गया घ प्लस र, इसी एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो हो गया घर। अब देखिए अगला वर्ड है नल, तो ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, नून ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का न प्लस ल को उर्दू में लाम कहते हैं ये, ठीक है। तो देखिए दोनों कैसे मिलेंगे, ये जो लाम है ना बिल्कुल उसी तरह लाम का लाम बनेगा। अब ये जो नून है ना, इसको बस आधा ऐसे काट देना है, ये जो चांद की तरह है बस इसको आधा ऐसे काट देना है, ये ऐसे है ना, तो इतना आधा काट देना है, जब ये इतना बचेगा इसी को लाकर इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और ऊपर एक ये जो नुक्ता है ये रहेगा, तो ये देखिए आधा न हो गया और इसी में लाम यानी कि ल जुड़ गया, तो न प्लस ल क्या हो गया, नल, ठीक है। अगला है डर, डर का सबसे पहला अक्षर क्या है, ड। ड को उर्दू में कहते हैं डाल, तो डाल देखिए ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का डाल प्लस र है, तो रे से र होता है, तो ड प्लस र हो गया आप लोगों का डर, ये हो गया सिंपल। दोनों को एक पास लाकर रख देना है, डाल से ड प्लस रे से र, ड प्लस र डर हो गया। तब में पहला अक्षर है त, तो त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, तो यहाँ पर ते बना दीजिए। प्लस ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो यहाँ पर बे बना दीजिए। अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे देखिए, ये जो ते है ना इसको आधा काट देना है इतना, ठीक है। जब इतना काट देंगे तो इस तरह दिखाई देगा, ऊपर दो ठो नुक्ता देना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आधा काट दिए तो इतना हो गया त का। अब इसी में ले जाकर ये वाला जो बे है ऐसे जोड़ देना है, तो त में बे जुड़ गया यानी कि ब जुड़ गया, तो त प्लस ब क्या हो गया, तब, ठीक। आगे बढ़िए झट, झट का जो पहला अक्षर है वो है झ। तो जिस तरह आप जे से ज और जे एच, जे में एच मिलाकर जे एच से झ लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है, जिम से ज होता है और जब इसी जिम में एच यानी कि एच को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, तो जब इसी जिम में एच मिला देते हैं तो जिम में हे मिला के झ हो जाता है, ऐसे।
ठीक है, ये हो गया आप लोगों का झ। देखिए ये वाला जो भाग है ना, इसी में ये हे जाकर जुड़ जाता है। देखिए ये जिम हो गया और इसी में एच यानी कि ये हे जुड़ जाता है, ये एच है, हे है, ठीक है। तो जिम में है मिलाकर ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का झ। तो ये वाला झ यहाँ पर लिखाएगा, रुकिए एक मिनट। तो ये हो गया आप लोगों का झ प्लस ट है। ट को उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं, टे ऐसे लिखाता है। तो झ प्लस ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये झ बिल्कुल उसी तरह लिखाएगा। देखिए ये झ लिखा गया बिल्कुल उसी तरह, बस ये टे है ना इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। ये वाला टे जो है इसी में आकर ऐसे जुड़ गया ट, ठीक है। तो झ प्लस ट झट, ठीक। आगे बढ़िए पट, फटाफट। अब सारा चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, सीक्वेंस में देखते चले आ रहे हैं तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पट, पट का जो पहला अक्षर है वो है प। प को उर्दू में कहते हैं पे, ऐसे लिखा जाता है, तीन ठो बिंदु रहता है, ठीक है। प्लस ट, ट को उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं, ठीक है। तो प प्लस ट एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, ये आधा प है, आधा ये जो पूरा प है ये कट जाएगा, आधा प कर देंगे ऐसे, ठीक है। और इसी में जो है आप टे ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो प प्लस ट क्या हो गया, पट। आगे बढ़िए बल, बल को, बल में जो पहला अक्षर है वो है ब। ब को उर्दू में कहते हैं बे, तो यहाँ पर बे बनाइए। और प्लस ल को उर्दू में कहते हैं लाम, ठीक है। तो ब प्लस ल मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे, ये जो बे है इसका आधा काट देना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आधा बे यानी कि आधा ब, और इसी में ऐसे लाम जोड़ देना है। लाम तो पूरा रहेगा, ठीक है, बस इसमें ये बे जोड़ देना है ब। तो ब प्लस ल क्या हो जाएगा, बल, सिंपल। आगे बढ़िए दम, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, ठीक है। प्लस म, म को उर्दू में मीम कहते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह दम बना देंगे। दाल से द और मीम से म, द प्लस म क्या हो गया, दम हो गया, सिंपल। आगे बढ़िए हर, हर का जो पहला अक्षर है वो है ह, ठीक है। तो ह को उर्दू में कहते हैं हे, ये वाला हे, और र, ठीक है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अभी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, ये वाला जो गोल है ना ये ऊपर से इतना कट जाएगा, ठीक है। जब इतना कट जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, और इसी में ये वाले में जो है ना, ये वाले कोना में ये जो रे है यानी कि र, वो ऐसे जुड़ जाएगा और नीचे एक ऐसे दिला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हे, ये हो गया आप लोगों का हे, और प्लस इसी में रे जुड़ गया है। तो ह हे से ह और रे से र, तो ह प्लस र क्या हो गया, हर, सिंपल। तो ये हो गया आप लोगों का कुछ शब्द जिसको हम लोग हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट किए, बहुत ही आसान है। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब देखिए यहाँ पर मैं दो अक्षर वाले और भी ढेर सारे शब्द को लिख रही हूँ, क्योंकि देखिए जितना ही ज़्यादा आप लोग हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करेंगे ना, उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ड है धन, ठीक है। अब धन का जो पहला अक्षर है वो है ध। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी से द होता है, और डी में जब आप एच जोड़ते हैं तो डी एच से ध होता है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में दाल से द होता है, और दाल में जब आप एच, एच को उर्दू में कहते हैं हे, ये वाला हे, ये है एच, ठीक है, यानी कि हे। तो जब जिस तरह आप लोग डी से द और डी में एच जोड़ देते हैं तो डी एच से ध, बिल्कुल उसी तरह दाल से द और दाल में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो दाल में एच जुड़कर यानी कि दाल में हे मिलाकर ये हो जाता है आप लोगों का ध, ठीक है। तो ये इस तरह ध लिखाता है। अब यही वाले ध को यहाँ पर लिखना है, एक मिनट रुकिए मिटा दूँ पहले। तो ये हो गया आप लोगों का ध, ठीक है, यहाँ पर अच्छा से बनाने दीजिए हे, ये हो गया आप लोगों का ध। प्लस अगला अक्षर क्या है, न, न को उर्दू में कहते हैं हम लोग नून, तो यहाँ पर नून बना दीजिए। तो ध प्लस नून से न मिलकर धन बनेगा। तो देखिए कैसे मिलेंगे, ये जो ध है बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, और ये जो निकला है हे से, ह से ये जो निकला है ना, इसी में ले जाकर ये न को जोड़ देंगे, नून को जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। तो ध प्लस इसी में क्या हो गया, न जुड़ गया, तो ध प्लस न क्या हो गया, धन। आगे बढ़िए रट, रट का पहला अक्षर र है, र को उर्दू में कहते हैं रे, तो रे लिख दिए। प्लस ट है, ट को उर्दू में टे कहते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का टे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों का रट, ठीक है। आगे बढ़िए लब, लब में पहला अक्षर है ल, तो ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, लाम ऐसे बनता है सीधा फिर आधा चांद। प्लस ब, ब को उर्दू में ऐसे बे,
बे कहते हैं ना, ऐसे बे बनता है। तो ला प्लस बा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो लाम है ना, लाम का ये पूरा ऐसे नहीं बनाना है, ये सीधा करके ऐसे चांद की तरह नहीं बनाना है, बस ऐसे सीधा खींच देना है, ठीक है। लाम का सिर्फ ये वाला डंटा वाला पार्ट बना देना है, ये सीधा डंटी खींच देना है। और उसके बाद से ये जो बा है यानी कि बे, इसी को यहीं पर ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया ल, और उसी में बे जुड़ गया यानी कि ब जुड़ गया, तो ल प्लस ब क्या हो गया, लब। आगे बढ़िए शक। शक में पहला अक्षर क्या है, श, वो भी नहीं तो तलाबे श, ठीक है। तलाबे श को उर्दू में शीन बोला जाता है, और लिखा कैसे जाता है, ऐसे ऊपर तीन ठो नुक्ता रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का श। प्लस क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, काफ ऐसे लिखा जाता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, ये जो चांद वाला पार्ट है ना, ये वाला हटा देना है, ये वाला नहीं लिखना है, बस इतना पार्ट, ये तीन ठो कोना वाला पार्ट ले लेना है इस तरह, ठीक है। ये हो गया नीचे, ऊपर जो है दो तीन ठो नुक्ता दे देना है, जैसे कि यहाँ पर दिलाया है, बस ये चांद वाला पार्ट हटा देना है, ये जो गोल वाला पार्ट है ना इसको हटा देना है, इतना पार्ट को ले लेना है, ले लिए इतना, ठीक है। और इसी में ये काफ को ले जाकर जोड़ देंगे, देख रहे हैं, ये वाले पार्ट में यहीं पर ले जाकर यहाँ पर ये वाला काफ जोड़ देना है। तो देखिए यहीं पर ऐसे जो काफ है ये आकर जुड़ गया, तो श प्लस क क्या हो गया, शक, ठीक। अब आगे है अगला वर्ड दल, ठीक है। तो दल में पहला अक्षर क्या आ रहा है, द, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल। प्लस ल, ल को उर्दू में लाम, लाम ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का, दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो ये हो गया आप लोगों का दल, द प्लस ल दल। आगे बढ़िए मन, मन का पहला अक्षर माँ, माँ को उर्दू में मीम, ऐसे बिंदु करना है और ऐसे करके सीधा खींच देना है, तो ये हो गया आप लोगों का मीम। प्लस ना, ना को उर्दू में नून कहते हैं, नू ऐसे बनाया जाता है आधा चांद की तरह, बीच में नुक्ता, तो माँ प्लस ना एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब कैसे जुड़ेंगे, देखिए ये वाला जो है ना मीम का, ये नुक्ता वाला पार्ट ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे बना देंगे बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह ये है ना वही वाला मीम ऐसे बना देना, बस ऐसे कर देना है, ये वाला जो भाग है ऐसे, ये वाला बस इतना ही उठाना है, ये जो लकड़ी वाला पार्ट है सीधा ये नहीं उठाना है, बस इतना उठा देना है, इतना, तो ये इतना उठा लिए। और उसके बाद से यहीं पर लाकर ये नून को जोड़ देना है, नून को, तो ये हो गया आप लोगों का म, और उसी में नून यानी कि न जुड़ गया, तो म प्लस न क्या हो गया, मन, ठीक है। अब आगे बढ़िए कब में जो पहला अक्षर है वो है क, क को उर्दू में कहते हैं काफ, ठीक है। प्लस ब को उर्दू में बे, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसका जो क का पार्ट है ये काफ का इतना ही उठेगा, इतना ही उठाना है आप लोगों को ऐसे, और इसी में ये बे लाकर ऐसे जोड़ देना है, तो क में ब जुड़ गया, तो क प्लस ब क्या हो गया, कब। आगे बढ़िए अब, अब अलिफ से अ होता है, ठीक है, अ जो है ना अलिफ से अ होता है, प्लस ब बे से ब होता है, ठीक है। तो ये हो गया अ प्लस ब, अब हो गया ये सिंपल, ये तो बहुत आसान है। तब इसका जो पहला अक्षर है ता, ता को उर्दू में ते कहते हैं, तो यहाँ पर ते लिख दीजिए, ठीक है। प्लस ब, ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो ते है तो इसका आधा लिखना है आप लोगों को ऐसे, ये आधा हो गया, और इसी में आप लोगों को ऐसे बे जोड़ देना है, तो त में ब जुड़ गया, तो क्या हो गया, त प्लस ब तब, हो गया सिंपल। आगे बढ़िए मत, मत में पहला अक्षर है म, म को उर्दू में कहते हैं मीम, और मीम बनाने आप लोगों को आता है, ऐसे बिंदु कर कर सीधा डंडा खींच देना, ये हो गया मीम। प्लस त, त को उर्दू में ते कहते हैं, इसको भी बनाना आसान है, इस तरह कर कर दो ठो बिंदु दे देना है, अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। म प्लस त कैसे जुड़ेंगे, ये जो मीम वाला पार्ट है ऐसे जो आप बनाए हैं, देखिए ऐसे बना रहे हैं ना ऐसे, तो ये जो मीम वाला पार्ट है ना इतना इतना वाला उठाना है आप लोगों को ऐसे 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 कर कर आप लोग ऐसे मीम बनाते हैं, तो बस ये आप लोगों को इतना पार्ट उठाना है, ये डंटा वाला पार्ट नहीं उठाना है, ये मीम उठाना है, और इसी में लाकर ऐसे ते जोड़ देना है, त हो गया, तो मीम में ते जुड़ गया, मतलब म प्लस त क्या हो गया, मत, ठीक है। अब देखिए अगला है सच, सच में पहला है स, स को उर्दू में कहते हैं सीन, सीन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। प्लस च है, तो च को उर्दू में कहते हैं चे, ऐसे लिखा जाता है चे, ठीक। अभी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, ये जो सीन है इसका ये चांद वाला पार्ट नहीं बनाना है, चांद वाला पार्ट हटा कर ये जो तीन ठो कोना वाला पार्ट है ये ला देना है ऐसे, आ गया। अब इसी में लाकर ये चे को जोड़ देना है, ये जो च है इसी को लाकर इसमें, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना यही उठा लेना है, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, देखिए ऐसे करके ऐसे,
देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ऐसे, वो यहीं पर आकर ऐसे बन गया है। तो ये हो गया आप लोगों का सच। सौ यानी कि सीन में चे जुड़ गया है, सौ प्लस च क्या हो गया सच। अब देखिए अगला वर्ड है कह। कह में जो पहला अक्षर है वो है क, तो क को उर्दू में कहते हैं काफ। तो ये हो गया आप लोगों का काफ यानी कि क प्लस ह है, तो ह को उर्दू में हे ऐसे लिखा जाता है। हे गोल सर्किल होता है, थोड़ा सा अंडाकार होता है। तो क प्लस ह एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखिए, ये वाला जो पार्ट है काफ का है, बस इतना ही आप लोगों को उठाना है। ठीक है, तो इतना उठा दिए। ठीक, अब इसी में ये वाला हे जोड़ना है, लेकिन ऐसे गोल नहीं जोड़ेंगे। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर इसका हुलिया बदल जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे और नीचे एक छोटा सा ये है, समझ में आ रहा है। फिर से मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रही हूँ। देखिए ये क है, इतना वाला पार्ट आप लोगों को बना दिए। बनाने के बाद देखिए यहीं से ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा सा ऐसे नीचे झुकाना है, फिर ऐसे कर ऐसे कर देना है, और एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे दे दिया जाता है। तो ये काफ में ह जुड़ गया यानी कि काफ प्लस ह, क प्लस ह क्या हो गया कह। अब अगला वर्ड है यह। यह में पहला अक्षर है य, य को उर्दू में कहते हैं ये वाला ये छोटी ये। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे चांद की तरह बना देते हैं, एक बड़ा सा हांडी की तरह ऐसे बना देते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का य प्लस ह। ह को उर्दू में यही वाला है लिखेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो पता है कैसे बनेगा, ऐसे मात्र। ठीक है, ये वाला जो है यहीं पर ऐसे बनेगा, और नीचे दो ठो बिंदु दे देना है, बस हो गया बात खत्म। ठीक है, य प्लस ह इस तरह बनेगा य। अगला है वह। वह में जो पहला अक्षर है वो है व। वाह को उर्दू में कहते हैं वाव। ठीक है, वाव ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया आप लोगों का वाव प्लस ह है, तो ह को उर्दू में हे कहते हैं, यही वाला है, तो यही वाला हे बना दे रहा है। अभी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और बना देंगे वह। वह प्लस ह वह। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, दोनों एक साथ पास मिलाकर रख देना है। तो वह प्लस ह वह हो गया। रह बिल्कुल उसी तरह बनेगा, रह को उर्दू में रे कहते हैं, तो रे हो गया यानी कि रे से रह प्लस ह, तो ये हो गया आप लोगों का हे। हे से ह, तो र प्लस ह, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और बनाएंगे रह, तो र प्लस ह रह हो गया। ये सिंपल आसान है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठग, ठ यहाँ पर बात आ रही है। देखिए जिस तरह टी से ट और टी में एच जोड़कर टी एच से ठ होता है, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में टे से ट होता है और टे में एच जोड़ देते हैं, एच को उर्दू में कहते हैं हे। देखिए ये वाला हे। ठीक है, तो जब टे में एच यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं तो बन जाता है ठ। देखिए कैसे जुड़ता है ये दोनों, ये वाला जो टे है ना ट, ये आधा कट जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और यहीं पर ये वाला जो है आकर ऐसे जुड़ जाता है। तो ट में यानी कि ये जो टे है इसी में एच यानी कि हे जुड़ गया, तो ये क्या हो गया ठ। तो इस तरह ठ लिखा जाता है उर्दू में। तो यहीं पर आप लोगों को लिखना है ये वाला ठ, क्योंकि मैं आप लोगों को लिख कर बता दे रही हूँ। देखिए ये हो गया आप लोगों का ठ प्लस, यहाँ पर ग है, ग को उर्दू में क्या कहते हैं गाफ कहते हैं, तो यहाँ पर गाफ लिख दीजिए। ठीक, अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, ठ को बिल्कुल उसी तरह बनाना है, ऐसे ठ बना दिए, और यहीं पर लाकर आपको गाफ को जोड़ देना है ऐसे। देखिए ये हो गया आप लोगों का ग, इसी ठ में ये ग जुड़ गया, तो ठ प्लस ग क्या हो गया ठग। आगे बढ़िए पग। पग में पहला अक्षर क्या है प, प को उर्दू में कहते हैं पे, तो पे बना दिए यहाँ पर प्लस ग, तो ग ये गाफ से ग होता है, तो ये ग हो गया आप लोगों का। तो प प्लस ग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा पग। कैसे जुड़ेंगे, ये प जो है पूरा नहीं बनाना है आप लोगों को, आधा काट देना है, तो ये आधा प जो है इस तरह बनेगा। ठीक है, और इसी में ये जो गाफ है वो जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, तो प में ये ग जुड़ गया, तो प प्लस ग क्या हो गया पग। उसी तरह जल है, ज है पहला अक्षर, तो ज को उर्दू में क्या कहते हैं जीम, तो यहाँ पर जीम बना देना है। ठीक है, और फिर प्लस अगला अक्षर क्या है ल, लाम से ल, तो यहाँ पर ल यानी कि लाम बना देना है। तो ये हो गया आप लोगों का लाम, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये वाला जिम का जो अक्षर है, ये ऊपर वाला पार्ट है, यही बनाना है आप लोगों को इतना। ठीक है, देख रहे हैं इतना बनाना है आप लोगों को, तो इतना बना दिए और नीचे ये जिम का एक बिंदु दे देना है, और उसके बाद से इसी में आकर आप लोगों को लाम जोड़ देना है ऐसे। हो गया आप लोगों का लाम में क्या हो गया ज, ये जिम जुड़ गया, तो ज प्लस लाम यानी कि ल, ज प्लस ल क्या हो गया जल, ऐसे जल लिखाता है पानी, जल का मतलब क्या होता है पानी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। देख रहे हैं सबके
सब वर्ड के लास्ट में जो लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाला हर्फ, वो पूरा का पूरा लिखाता है, ठीक है। भले ही शुरू वाला कट जाता है, देखिए प जो है आधा कट गया है, लेकिन लास्ट वाला जो है ना पूरा अक्षर लिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं जल में जिम का जो पूरा पार्ट है उसको आधा काट दिया गया है, ये आधा जिम बनाया गया है, लेकिन लास्ट वाला जो लाम है उसको पूरा बनाया जाता है, मतलब लास्ट वाला जो अक्षर है वो पूरा बनाया जाता है। आगे बढ़िए कर, कर में जो है ना क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ, तो यहाँ पर काफ बना दीजिए, प्लस र को उर्दू में रे कहते हैं तो रे हो गया आप लोगों का, दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा, कर बनेगा। तो कैसे मिलेंगे, ये वाला काफ का ये जो शुरू वाला पार्ट है इतना ही आप लोगों को आधा पार्ट उठा देना है, तो आधा पार्ट उठा दिए और यहीं पर ला कर रे को जोड़ दिए, तो ये हो गया काफ प्लस रे, यानी कि क प्लस र कर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, काफ का इतना ही पार्ट उठा देना है, तो इतना पार्ट उठा कर ला दिए, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का काफ, और इसी में आप लोगों को ये रे जोड़ देना है, तो काफ यानी कि क प्लस र एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो क्या हो गया, कर। उसी तरह है जब, जब में पहला अक्षर जो है वो है ज, और ज को उर्दू में कहते हैं जीम, तो जीम हो गया प्लस, और ब, ब को उर्दू में बे कहते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का बे, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये वाला जिम है, इसका सिर्फ शुरू वाला पार्ट इतना उठेगा, ठीक है, तो ये इतना पार्ट उठा दिए, नीचे बिंदु देना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर बिंदु ये नुक्ता है, तो ये हो गया आप लोगों का ज, और इसी में आप लोगों को क्या कर देना है, बे यानी कि ब जोड़ देना है, तो ये जो जिम में है ज में क्या हो गया, बे जुड़ गया, तो ज प्लस ब क्या हो गया यहाँ पर, जब, ठीक है। उसी तरह ये है नम, न को उर्दू में नून कहते हैं, ऐसे बनता है नून, प्लस म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का मीम। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, न प्लस म, नम होगा ना, तो देखिए कैसे जुड़ेंगे, ये जो नून है इसको पूरा, ये गोल है ना, इसको जो है ना ये इस तरह नून बनता है, ठीक है, बस इसको आधा ऐसे काट देना है, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहीं पर ऐसे ला देना है, और ऊपर ये बिंदु देना जरूरी है, नुक्ता देना जरूरी है, तो ये हो गया आधा नौ, और इसी में ये जो मीम है ये लाकर ऐसे जोड़ देना है, देखे, तो नौ प्लस म क्या हो गया, नम। एक बार फिर से मैं आप लोगों को लिख कर बता दे रही हूँ, देखिए ऐसे आधा नौ हो गया, इसी का आधा ना, और इसी में ऐसे मीम जोड़ देना है, तो न प्लस म नम, ठीक। तो इतने सारे दो अक्षर से मिलकर हिंदी के शब्दों को हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करना सीखे कि उसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का होमवर्क ये है कि जितने भी 10 वर्ड देख रहे हैं ना, ये भी दो अक्षरों से मिलकर बने वर्ड ही हैं, दो अक्षरों से मिलकर बने हिंदी के शब्द हैं, तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप इन 10 वर्ड को उर्दू में खुद से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अगर आप सच में हिंदी से दो अक्षर से बने शब्दों को हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करना सीख गए, उर्दू में लिखना सीख गए हैं, तो आप इन 10 वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट कर ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन 10 वर्ड को बिना किसी मदद के, बिना किसी दूसरे की मदद के खुद से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, खुद से उर्दू में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप उर्दू सीखने की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं, अब बहुत जल्द जो है उर्दू सीख पाएंगे, पढ़ना लिखना सब कुछ सीखेंगे, ठीक। तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को एक बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी, उसको दबाना मत भूलिएगा। जब उसको दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।